आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पोर्चुला का प्लांट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट काम शेयर करने वाली हूँ। अगर वो काम आपने कर लिया तो नेक्स्ट सीजन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और पोर्चुला का प्लांट को आप अच्छे से संभाल कर रख पाएंगे। तो क्या है वो काम इस वीडियो में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अभी की अभी आप सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। तो देखिए, जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे पोर्चुला का के सारे फूल बंद होकर ख़त्म होते जाएंगे और फिर इसकी सिर्फ और सिर्फ पत्तियाँ बचेंगी। पत्तियाँ तो सारी एक जैसी ही लगती हैं, तो आप देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि कौन से कलर का फ्लावर कौन से पॉट में लगा था। तो यही राइट टाइम है जब इसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है। फूलों को देखकर, उनके कलर देखकर एक साथ आप किसी अलग अलग पॉट में लगा दें और अपने पॉट्स को धीरे धीरे करके खाली करें, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है और सर्दियों के फूल लगने लगेंगे। तो देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से किसी भी एक बॉक्स के अंदर अपने सारे फूलों को रख लूँगी ताकि एक ही बॉक्स के अंदर मेरे सारे फूल आ जाएं। और इनका कलर किस तरह से पता करूँगी ये आगे चल के बताऊँगी। इसके अंदर देखिए 6 पार्ट्स हैं। इस तरह का बॉक्स हमें किसी भी क्रॉकरी शॉप पे मिल जाएगा, या आपने कभी कप्स लिए होंगे तब इस तरह के बॉक्स आते हैं। इसके अंदर 6 पार्ट्स हैं, तो मेरे पास 6 कलर्स हैं, 6 के 6 एक ही बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर होल कर लूँगी, क्योंकि पीछे कोई होल नहीं है और बिना होल के पोर्चुला का प्लांट ख़राब हो जाएगा अगर आप ऐसे ही लगा देंगे। तो अपन इसके अंदर 3-4 होल्स कर लेंगे ताकि ड्रेनेज अच्छा हो। ये देखिए, मैंने इसके अंदर अच्छे से होल्स कर लिए। अब होल्स करके मैं अपनी गार्डन सॉइल इसके अंदर फिल कर लूँगी, नॉर्मल गार्डन सॉइल जिसके अंदर ऑलरेडी थोड़ी बहुत कंपोस्ट मिली हुई है। अगर बिना कंपोस्ट के भी आप लगाएंगे तो आपका पोर्चुला का अगली गर्मियों तक आराम से चलेगा। और गर्मियां जैसे ही शुरू होंगी फरवरी के टाइम पर, हम इसकी अलग अलग जगह पर कटिंग्स लगा लेंगे। अब मैं इसके अंदर सॉइल फिल कर लेती हूँ। अब देखिए, मैंने सॉइल फिल कर ली। अब सारी कटिंग्स लेने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, किस तरह से मैं पता करूँगी कि मेरा प्लांट कौन से कलर का है। यहाँ देखिए, मैंने पोर्चुला के सारे कलर्स निकाल लिए हैं। यहाँ पर ये येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर है, वहाँ पिंक एंड वाइट, प्लेन वाइट, लाइट पिंक और यहाँ पर रानी कलर जो सबके पास होता है। अब ये सारे कलर्स हम लगा लेंगे कटिंग से। किस तरह से लगाते हैं देखिए। यहाँ देखिए, ये सारे लगाने के बाद अब मैंने इस तरह से स्टिक्स बना ली हैं। इन स्टिक्स के अंदर कलर कर दिया है जो जो प्लांट्स की कलर्स हैं। ये पीच कलर है, मेरे पास कोई ऑरेंज कलर नहीं था इसलिए मैंने ऑरेंज के लिए ये पीच कलर किया है। यहाँ पर मैं ये लगा दूँगी। ये वाइट कलर का फ्लावर, उसके लिए स्टिक। यहाँ पर ये डार्क जो पिंक कलर है उसके लिए, क्योंकि ये फ्लावर्स थोड़े दिनों में मुरझा जाएंगे और उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि कलर कौन से हैं, इसलिए ये स्टिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वाइट एंड पिंक के लिए, यहाँ पर ये प्लेन पिंक कलर के लिए और ये है येलो के लिए। ये रहा, इन स्टिक्स के थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि कलर कौन सा है और अगले सीज़न में जब भी कॉम्बिनेशन करके लगाना होगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा और मेरे सारे जो पॉट्स हैं वो भी ऑक्यूपाई नहीं होंगे। आपको इनमें से कौन सा कलर अच्छा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और हेल्पफुल वीडियो के साथ क्या करना होता है ये तो आप सबको पता ही है। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।